staff and all my dear students. First of all, I congratulate you all for the study tour that you are going to perform to University of Gujarat. And this is first time in the history of University of Ladakh that the students are going outside the state, outside the UT and to other parts of the country on exposure as well as the study tour. And I hope that this tour will be beneficial for the students in respect of your studies and your exposure as well. और इसी के साथ साथ मैं दो बातें भी आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये जो हमने सिलेक्शन किया है 30 स्टूडेंट्स का, इट इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन योर परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम एंड योर परफॉर्मेंस इन द स्टडीज, सो दैट मच एंड मच मोर एनरिचमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ योर नॉलेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन, योर स्टडीज एंड टू परस्यू एजुकेशन फर्दर. Now it's very pleasing and delightful to see that most of the people who have opted for the tour are girls. You'll learn a lot. Got very confident. I know all our female students are very confident because you have a role model in the campus. There you are, right? She's a role model for all of us too, as well, all of us. But I wish you, on behalf of the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor Professor S.K. Mehta, good luck, the best of journey. Enjoy each moment, have fun. Whenever you have problems, do tell Dr. Salim Rafi Saab. She has my contact number as well. You can call directly if there's any issue anywhere. Have fun. We've made arrangements for accommodation in Jammu and Srinagar both. We do hope they're not luxurious, but we do hope you'll enjoy. Have fun in Srinagar, it's a beautiful place. It's a little hot in Jammu, but you'll enjoy that place. Also, you will get to stay one night in Jammu, and then onwards, you enjoy the train journey. Have a nice, as ma'am said, have a nice journey. Plus, do learn a lot. You have to inspire other students to go out of Kargil. शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों को. यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के डेवलपमेंट में आपका योगदान तावन हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. और ऐसे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ और टीचर्स के इश्यूज़ भी रहे हैं जिनमें आपने बखूबी अच्छा रोल निभाया ताकि कोई इश्यूज़ हम यूनिवर्सिटी के लेवल पर आए और रेजोल्यूशन के लिए हम कोशिश करें करते रहें. शाना बजाना हमारे, आपको पता है मैडम कनीस फातिमा जो डायरेक्टर हैं, इनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे करगिल में पता है कि इन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है. सिर्फ करगिल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही इनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रहा है. देयर इज़ नो प्लेस इन इंडिया विच शी माइट नॉट हैव एक्चुअली विजिटेड. इन केंद्रवेला JNV समिति वगैरह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे पोजिशन पर रही हैं. आर कैंपस इन करगिल इज़ इन गुड हैंड्स, सेफ हैंड्स. और मैम को शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके भेजा हुआ है इस टूर के लिए. ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका विजन और बढ़ेगा जाके और जहाँ करगिल से बाहर जाएंगे, वापस आएंगे और हमसे और कहानियाँ शेयर करेंगे. हम भी इंस्पायर हों तो हम भी सारा निकलें. जी जी, मकसद जो टूर का जी, गुजरात यूनिवर्सिटी में जो टूर उन्होंने स्पेसिफिकली गुजरात यूनिवर्सिटी लिया है, बिल्कुल, तो इस टूर का मेन मकसद क्या होगा, मोटिव क्या होगा सर? स्टूडेंट इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी. एक्सपोजर है बेसिक मकसद इनाय साहब, कि यहाँ से बाहर की दुनिया दिख जाए, उनको ये भी लगे कि बाहर कितने तरक्की हो रही है, एजुकेशन के सिस्टम में भी, सेक्टर में भी, दुनिया कहाँ कितने आगे पहुँच गए हैं. लेकिन ये इनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे शायद बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स हैं. हम कहीं कहीं पीछे नहीं हैं, पीछे रह ना जाए कहीं. इनको ये भी पता है कि हम वन ऑफ द बेस्ट हैं और हम भी कहते रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स में कोई खामी नहीं है. इनको बस कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, हार्ड वर्किंग तो है ही. पिछले 10 साल में देखेगा
पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करने वाले, एमफिल करने वाले और ख़ासकर पीएचडी डिग्री होल्ड करने वाले बहुत सारे हो गए हमें करगिल डिस्ट्रिक्ट के। ये हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। एक्सपोजर ट्रिप्स एक्सपोजर मिलेगा स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, गुजरात यूनिवर्सिटी के जो आला तरीन फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होंगे, गुजरात में ही बहुत सारे गांधी आश्रम वगैरह के विजिट्स होंगे, रिवर फ्रंट्स वगैरह देखेंगे अहमदाबाद में भी, तो बहुत मज़ा आएगा। हम चाहते हैं ये बाहर की दुनिया के लोगों से मिलें और अपने अच्छे आइडियाज़ लेके आएँ और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट जो हैं उनको भी इंस्पायर करें ताकि लोग डरे ना यहाँ करगिल से बाहर निकलने के लिए। और मैं यह भी बता दूँ, हुसैन साहब को पता है, आपको भी बखूबी पता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है जिस पे हम शेड्यूल ट्राइब वाले कैटेगरी के सोच को पीछे छोड़ के जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी में सब के साथ कॉम्पीट करने के लिए हम थोड़े मजबूत हो जाएँ। बस सोच की बात है ना सर जी। थैंक यू सर जी। अब मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। पिछले साल के एंड में आखिर में यूनिवर्सिटी के सारा आला तरीन ऑफिसर्स वाइस चांसलर साहब ने लीड किया एक डेपुटेशन को जिसमें मैडम कनीस फातिमा भी थी और डीन एकेडमी के फैज दस्कियों साहब भी थे और मैडम कुंचो आमो थे ले कैंपस के डायरेक्टर। वो सब गुजरात एक चक्कर मार के आए हुए हैं। एक अच्छी बात खबर ये भी है कि एक लद्दाख हाउस भी गुजरात यूनिवर्सिटी में बना है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है वहाँ भी जाके आए हैं। इनका बहुत लंबा प्रोग्राम था, ये एक इस अभी वाले टूर को एक सीक्वल मान लीजिए उसका, और गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। इसके बाद वहाँ से भी यहाँ बच्चे आने के चांस आएंगे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, वहाँ भी से भी जल्द ही आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी हम करेंगे, हमारे मेहमान होंगे, करगिल के मेहमान होंगे, ले के मेहमान होंगे, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ का अगर टोपोग्राफी वगैरह अगर देखें तो जियोलॉजी जो माइनिंग एंड जियोलॉजी का बहुत स्कोप है सर, बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई अच्छे से रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से कोई कोलेब्रेशन होने का चांस है। वाडिया इंस्टीट्यूट के हैं जिसके प्रोफेसर तलत अहमद जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उसके साथ वो पहले से एसोसिएटेड हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में है जिसके साथ एक MOU और हुआ है, उनके साथ भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते रहेंगे। अब द स्काई इज़ द लिमिट जैसे कहते हैं, तो हम मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स कुछ कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि स्टाफ भी हों, स्पेस भी हों, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और मैडम एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं इसमें एक इंटरफेस बन के। अब देखें पूरे दुनिया हमारे सामने एक यूनिवर्सिटी के शेप में हुकूमतों में तैयार होकर आ जाएगी। सर आने वाले दिनों में जी सर स्ट्रेटजी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की जी क्योंकि छोटे मोटे इश्यूज जो है वो आते रहेंगे एग्जामिनेशन को लेकर आने वाले दिनों में क्या क्या सजेस्ट क्या क्या आप लोग एडवाइस जी हम अपना मैकेनिज्म एक बहुत थोड़ा फुल प्रूफ बना रहे हैं जिसके तहत स्टूडेंट रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं तो डायरेक्टली मैडम तक पहुँचें, ठीक है, और अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो तो हम तक भी आएँ, हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। ले में भी हमारे ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस करगिल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ले में भी अलग से कैंपस है, तो यहाँ में हमारे स्टाफ भी एग्जामिनेशन सेक्शन के हों या एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स के, तो सारे हमेशा तैयार ही रहते हैं स्टूडेंट रिलेटेड इशूज़ को लेने में, और कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द हल हो, कोई रेजोल्यूशन निकले और स्टूडेंट्स तक कन्वे किया जाए, ये नहीं कि भटकते फिरें। जी बिल्कुल। और मैम ने अपने लेवल पे है कैंपस में बहुत सारे टीचर्स को भी नॉमिनेट करके रखे हैं जो स्टूडेंट्स के साथ जिनको कोऑर्डिनेट करना है या जिनको स्टूडेंट्स अप्रोच कर सकें, स्टूडेंट रिलेटेड नहीं अगर टीचर रिलेटेड भी कोई इशू हो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। अब हमने पिछले एक दो साल में ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह में करें तो कदम रखा हुआ है। एक 2020 तो वॉश आउट हो गया कोविड के उसमें पैंडमिक की वजह से, अब उनके भी कुछ इशूज़ हो जाते हैं प्रोक्योरमेंट सप्लाईज वर्क्स पेमेंट्स वगैरह, उसके लिए भी तो हम तैयार ही रहते हैं हमेशा उनकी बात सुनने के लिए, और जल्द से जल्द कोशिश होगी उनके पेमेंट्स क्लियर हो जाएं, और क्योंकि उनके साथ आगे भी हमने काम करना है तो उनका कॉन्फिडेंस भी जीतना है। उसके अलावा मैं कहूं आपको करगिल में आवाम का ताउन बहुत ज़्यादा रहा है, मैम बाखूबी जानते हैं, विटनेस हैं, 24 घंटे का इनका यहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को डेवलप होने में फूलने में जो वो टाइम लगा है, थोड़ा सा टाइम लगा है, उसमें उनका तावन पूरा है, उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जो दिल से दुआ मांगते हैं और आगे आके भी हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और मीडिया का खासकर शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोगों ने जो भी इशूज़ हम तक उठाए हमने कोशिश की कि हल निकले कुछ ना कुछ, और अगर हल नहीं हुआ आप तो दोबारा बोल लेते हैं, तो उसके लिए तो हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए तो बंद कभी नहीं होंगे, आपके ज़रिए से कोई इशू हमारे नज़र में आ जाती है। जी जी हुसैन साहब, थैंक यू।